हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब आपको लेवर पेन स्टार्ट हो जाता है तो आपको किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप गलत चीज़ें खा लेती हैं तो ऐसे में क्या होता है कि आपका लेवर पेन आना बंद हो सकता है, आपका लेवर पेन धीमा पड़ सकता है। आपने देखा होगा ना, कुछ महिलाओं की डिलीवरी तो 20-20 घंटे में होती है, कुछ की 2-3 घंटे में हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये आपके खाने पीने की वजह से भी हो सकता है। अगर आप गलत चीज़ें खा लेंगे तो आपका लेवर पेन आना बंद भी हो जाएगा और आपका लेवर पेन काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और आपको ही परेशानी होगी। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम फॉल्स लेवर पेन में, यानी कि हमें जो झूठे संकुचन आते हैं उसमें और हमें जो असली लेवर पेन आता है उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों सेम होता है। फॉल्स लेवर पेन आपका अभ्यास लेवर पेन होता है, जो कि थोड़ी बहुत देर के लिए आता है, फिर वो बंद हो जाता है। दिन में 2-4 बार आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। लेकिन लेवर पेन क्या होता है कि लगातार आता है, रुक रुक के आता है, लेकिन समय के साथ आपका दर्द बढ़ता जाता है और आपका सर्वेक्स खुलता जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि मेरा लेवर पेन आया है। लेकिन आपको गलती क्या नहीं करनी है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आप ऐसा कुछ मत खाइए जिससे कि आपका लेवर पेन आके रुक जाए। क्योंकि देखो, आपको नहीं पता कि असली लेवर पेन है या फिर नकली लेवर पेन है। मान लीजिए कि असली लेवर पेन आया और आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे कि आपका लेवर पेन रुक गया, फिर आप ये कहोगे कि मेरी प्रेगनेंसी का 39वां सप्ताह हो गया, 40वां हो गया है और अभी तक लेवर पेन नहीं आया। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने शायद कुछ गलत खा के अपने लेवर पेन को रोक दिया। तो इसलिए ध्यान रखिए कि भाई, हमें गलत चीज़ें नहीं खानी हैं, चाहे आपको लेवर पेन स्टार्ट हो गया उसके बाद भी, या फिर आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है फिर भी, ठीक है। तो लेवर पेन आने के बाद आपको क्या क्या नहीं खाना है? तो सबसे पहला, हैवी खाना नहीं खाना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मन कर रहा है हम तो खाएंगे, तो खा लो, लेकिन क्या होगा पता है? एक तो आपको इससे उल्टी आ सकती है, क्योंकि अंदर आपकी डिलीवरी की प्रक्रिया चल रही है। अगर आप ऐसे में हैवी खाएंगे तो आपको उल्टी होने की समस्या हो सकती है। उल्टी हो गई तो ये मान के चलो कि या तो लेवर पेन बहुत ही लंबे समय तक चलेगा या फिर लेवर पेन रुक सकता है। इसके अलावा हैवी खाना खाने से क्या होता है कि आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और इस समय आपको लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेनी होती हैं। और बच्चे को नीचे आने के लिए, लेवर पेन अच्छे से लाने के लिए, अच्छे से सर्वेक्स खुले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पेट खाली रहे। मतलब कि भूखे नहीं रहना है, लेकिन पेट खाली रहना है ताकि आपका बच्चा आराम से नीचे आ सके और आपका जो लेवर पेन है उसकी प्रक्रिया आराम से चल सके। तो आपको क्या करना है कि तला भुना मसालेदार खाना, बहुत ज़्यादा रोटी चावल ये चीज़ें कम खानी हैं, क्योंकि ये सारे हैवी होते हैं, रोटी भी हैवी होती है। इसलिए आपको लेवर पेन के दौरान कोशिश करना है कि आप ज़्यादा रोटी वगैरह भी ना खाएं। एक आध रोटी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो मत खाइए, नहीं तो फिर इससे आपको ही परेशानी होगी। आपका लेवर पेन काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो है हैवी खाना मत खाइए। इसके अलावा आपको जो दूसरा ध्यान रखना है वो ये कि बहुत सारे लोग लेवर पेन के दौरान क्या करते हैं या फिर प्रेगनेंसी के 9 महीने में क्या करने लग जाते हैं कि गर्म दूध ले लिया या फिर चाय ले लिया, उसमें घी डाल लिया। और लेवर पेन के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 3-4 चम्मच घी डाल के पी लेते हैं और उनको लगता है कि बच्चा फिसल के बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल हेल्दी हैं, सब कुछ ठीक है, तो बच्चा अपने आप ही बाहर आएगा। एक बात बताओ, ये प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, आपके द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती है, ये अपने आप ही होता है, तो उसको अपने आप ही होने दीजिए। अगर आप स्टार्टिंग से ही सब कुछ ठीक ठाक से रख रहे हो तो आराम से आपका बच्चा ठीक टाइम पर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप खामे कुछ भी खाएंगे पियेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको जो है खामे दूध में बहुत सारा घी डाल के पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपको 99% चांसेस है कि उल्टी हो जाए, और बहुत सारी महिलाओं को हो जाती है। उल्टी आने से आपके शरीर से बहुत सारा पानी बाहर चला जाता है, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती हैं। तो ऐसे में आप बच्चे को बाहर कैसे लाएंगे? आप खुद ही डॉक्टर से कह देंगे कि मेरी बस की बात नहीं है, आप सी सेक्शन कर दो, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं जोर लगाऊं अपने बच्चे को बाहर निकालूं। और जैसे मैंने आपको बताया कि उल्टी होने से लेवर पेन भी धीमा पड़ जाता है, तो आपके साथ ये भी हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी दूध में या फिर चाय में या फिर किसी भी चीज़ में घी को डाल के नहीं पीना है या फिर तेल वगैरह को डाल के नहीं पीना है। इसके अलावा आपको इस समय ऐसा कुछ भी नहीं लेना जिससे कि आपके पेट में गैस बनने की समस्या हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चाय और कॉफ़ी पीने से भी आपको पेट में गैस बनने की समस्या हो जाती है। इस समय आपको ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता तो बहुत सी महिलाएं लगातार बार बार चाय पीती रहती हैं। अब मान लो कि आपने 24 घंटे में 1-2 बार चाय पिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 24 घंटे में 10 बार चाय पी चुकी हो, कह रही हो कि नहीं मुझे तो चाय ला के दो, तो ऐसे में आपके पेट में गैस बनने की समस्या होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पी लेती हैं तो इससे आपको तनाव हो सकता है। एक बार तनाव हो गया, आप बहुत ज़्यादा विचलित होने लग जाओगी, तो आप ये मान के चलो कि लेवर पेन में दिक्कत आएगी ही आएगी। इसीलिए आपको ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो आपको इस्तेमाल करना क्या है, मेन बात तो यही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब इस्तेमाल करना क्या है, सब कुछ के लिए तो मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, सब कुछ के लिए मना नहीं किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस समय
थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहना है, क्योंकि देखो बार बार आप चिल्लाते हो तो गला सूख जाता है, शरीर में एनर्जी भी चाहिए होती है, तो पानी पीते रहिए। इसके अलावा दूसरा आपको क्या करना है कि आपको हॉट चॉकलेट पीना है। हॉट चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और आप उसको पी सकती हैं। इसके अलावा आप दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, खिचड़ी वगैरह खा सकते हैं, लेकिन कैसा खाना है कि बिल्कुल पतला होना चाहिए। अगर आप खिचड़ी खा रही हैं, चावल और दाल की खिचड़ी खा रही हैं, तो बिल्कुल पतला होना चाहिए, जैसे कि आप पी लो ना ऐसा खिचड़ी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही आराम से पच जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको दलिया, खिचड़ी या फिर ओट्स वगैरह भी थोड़ा ही लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पेट भर के आपने खा लिया, नहीं, थोड़ा सा खाइए। आपको भूख लग रही है तो आप एक दो घंटे के बाद फिर खा लीजिए, लेकिन एक साथ आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इसीलिए आपको इस समय लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है। जूस वगैरह आप ले सकते हैं, संतरा का जूस ले लो, अनार का जूस ले लो, जो सा जूस आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। और हाँ, देखिए शेक वगैरह मत लीजिएगा, कि आप चॉकलेट शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक ले रहे हो, वो भी हैवी होता है, उसको मत लीजिएगा। आप जूस ले सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज का हो गया, अनार वगैरह का हो गया, वो जूस ले सकते हो। इसके अलावा आप इस समय दूध भी पी सकती हैं। दूध कैसा होना चाहिए जो कि फुल क्रीम ना हो, यानी कि टोंड मिल्क होता है ना, आप वो पी सकती हैं, जिसमें कि मलाई उतारा हुआ होता है, या फिर हल्का फुल्का पानी डाला हुआ दूध होता है ना, आप वो पीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी नहीं होगा। अगर आप फुल क्रीम दूध पियेंगी तो वो हैवी हो जाएगा, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और देखिए, अगर आपको चाय पीने की इच्छा है तो आप एक से दो कप चाय पी सकती हैं, या फिर कॉफ़ी वगैरह पी सकती हैं। अगर आपको रोटी खाने की इच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं कि दाल के साथ एक रोटी खा सकती हैं, दाल में रोटी डाल दो और उसको खा लो, तो आप वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रोटी खाने के चक्कर में हो तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। और इसके अलावा लेवर पेन आने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान और रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब आपको लेवर पेन आ जाता है तो उसके बाद आप हॉस्पिटल जाती हैं, तो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद आपको बिस्तर पर लेटना नहीं है कि आराम से लेवर पेन आएगा, नहीं, आपको क्या करना है कि आपको चलते रहना है। जिस रूम में आप रुकी हुई हैं उस रूम में दीवार के सहारे या फिर अपने हस्बैंड के या फिर किसी के सहारे आप थोड़ा बहुत चल सकती हैं। चलते रहने से आपका सर्वेक्स बहुत जल्दी खुलता है और आपको बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि बच्चा नीचे आएगा तभी तो डिलीवरी होगी, तो खड़े रहोगे तो बहुत जल्दी डिलीवरी होगी, ठीक है। तो खड़े रहिए, खड़े रहने के अलावा आप थोड़ा बहुत चलिए। और हाँ, देखिए इस समय बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, तो आपको क्या करना है कि जैसे हम इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से आपको बैठ के यूरिन पास करना है, यानी कि उड़ू अवस्था में बैठ के आपको यूरिन पास करना है, इससे भी आपका सर्वेक्स और जल्दी खुलता है। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका पेट खाली रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूखे रहना है, आपको कुछ ना कुछ खाते पीते रहना है। एक साथ बहुत सारा नहीं खाना, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहिए, इससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और आपका बच्चा भी टाइम पे नीचे आता रहेगा और आपको हैवीनेस भी महसूस नहीं होगा, उल्टी भी नहीं आएगी, गैस भी नहीं बनेगा, तो आपको बहुत ही आराम से बेबी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाते रहिए ताकि एनर्जी शरीर को मिलती रहे। और हाँ, देखिए इस समय ना बहुत सा महिलाएं अपना धैर्य खो देती हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाती हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, डिलीवरी के बाद क्या होगा, डिलीवरी में क्या होगा, बहुत सारी बातें दिमाग में लेके बैठ जाती हैं और टेंशन में आ जाती हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप या तो अपना धैर्य खो देते हो, डॉक्टर से बोल के सी सेक्शन करा लेते हो, या फिर आपको क्या होता है कि जो लेवर पेन बहुत जल्दी आने वाला होता है वो भी काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। कितना देर आपको दर्द बर्दाश्त करना है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं सहना। और देखिए, लेवर पेन का टाइमिंग कम करना भी आपके हाथ में। अगर आप बिस्तर पर जाके सो जाती हैं, लेट जाती हैं, चिल्लाती रहती हैं, तो इससे आपका ही लेवर पेन काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो आपको यही करना है कि खाने पीने का ध्यान रखना है, चलते रहना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना है ताकि आपका बच्चा और जल्दी नीचे आए, धैर्य नहीं खोना, खुश रहना है, कूल डाउन रहना है और ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, तो सब कुछ बहुत ही आराम से हो जाएगा। और देखिए, कुछ भी दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल में नर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो आपकी देखभाल करेंगी, देखेंगी कि कोई दिक्कत है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। इसीलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शांत रहिए, जो मैंने टिप बताई है उनको फॉलो कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।